उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। आज हम कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लास्ट टाइम मेमोरी का साइज ऑफ मेमोरी था, हमने हार्ड डिस्क पढ़ा था, रैम को पढ़ा था, इन सब चीज़ों को हमने देखा था। जो आज का हार्ड टॉपिक है वो है 2.5 बुलियन अलजेब्रा, जो कि पेज नंबर 4 पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा से क्या है, ऐसे दो वैल्यूज होती हैं, कौन कौन सी, जीरो और वन होगा, ट्रू और फॉल्स होगा। आप लोगों ने शायद जिसके अंदर पढ़ा होगा कि ट्रू टेबल पढ़ा होगा, एंड को पढ़ा होगा, और को पढ़ा होगा, नॉट को पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, बुलियन अलजेब्रा में आती हैं। आप जब हाई क्लास में जाएंगे तो आप इंशाल्लाह जब भी जाएंगे तो आप इसको वहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इनके जरिए से कैसे ऑपरेशन किया जाता है, कैसे इनका जो रिजल्ट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। जी, अब किताब का पेज नंबर 44 है, न्यू बुक का वो खोल लीजिएगा। आपको मैं दोबारा से अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि जो आपकी न्यू बुक्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल्स हैं, तो वहाँ स्टूडेंट्स वहाँ से जाकर परचेज कर लें ताकि आप इजीली वहाँ से तैयारी कर सकें, इसीलिए अपने स्ट्रेस को देख सकें। और अगर आपको मजीद चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करके PDF फॉर्म के अंदर आप दे सकते हैं, मेरे पास PDF फॉर्म मौजूद है। बुलियन अलजेब्रा, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक 2.5.1 वो है बुलियन प्रोपोजिशन। अ प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट कैन बी आइदर ट्रू आर फॉल्स। तो प्रोपोजिशन क्या होता है, एक सेंटेंस है, इट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस है जो कि ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। बुलियन अलजेब्रा क्या है, हमारे पास एक सेंटेंस है जो कि हमारे पास या तो ट्रू होगा या फिर क्या होगा, फॉल्स रख देगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी, आज बारिश आएगी, ट्रू है ये फॉल्स है। हम मौसम देख के कह देंगे कि हाँ जी मौसम खराब है, क्या वो बारिश आएगी है, ये है ट्रू है। अगर धूप निकली हुई है क्या कह देंगे, नहीं गलत है, किसी ने गलत है, बारिश नहीं आएगी, धूप निकली हुई है, बादल नहीं है, तो ये क्या होगा, एक प्रोपोजिशन है। कोई भी सेंटेंस आपका क्या होगा जी, वो प्रोपोजिशन कहलाता है। उसके सबसे पहले इसमें देखते हैं, सम फ्रॉम समवन फ्रॉम आवर स्कूल कैन ज्वाइन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब उसने एक सेंटेंस लिखा है कि हमारे स्कूल में से कोई भी पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन कर सकता है। हम ट्रू कह सकते हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में जाके कोई अच्छा प्लेयर बन जाए, कोई अच्छा परफॉर्म कर ले, कोई अच्छा खिलाड़ी बन के जिला लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद नेशनल लेवल पर पहुंच जाए, हो सकता है कि क्या होगा, ट्रू होगा। इस तरह आई विल गेट ए प्लस ग्रेड इन बोर्ड एग्जाम, ट्रू हो सकता है ना, अगर आप वो मेहनत करता है तो वो एक ग्रेड ले सकता है। आई वॉन्ट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स में एक्सेल में अच्छा परफॉर्म करना चाहता हूँ, वो एक्सेलेंट परफॉर्म करना चाहता हूँ, ट्रू हो सकता है। आई प्ले चेस, अगर आप चेस खेलना तो क्या है जी, चेस हो सकती है। तो ये क्या है, आपके प्रोजेक्शन सेंटेंस आपके इस टाइप के होंगे जबकि आपके पास हाउ आर यू, ये क्या सेंटेंस नहीं, किसी का हाल पूछना, हाउ आ गया, बट आ गया, फाइव डब्ल्यूज हो रहे, एच फाइव, इसको में जो क्वेश्चन करेंगे वो आपका क्या होगा, हमेशा गलत होगा, वो आपको क्वेश्चन में नहीं आएगा। क्लोज द डोर, ये प्रोजेक्शन ही, ये तो आप ऑर्डर कर रहे हैं ना, आप ये नहीं कह रहे कि हमें क्या करना है, कि कोई ट्रू या फॉल्स एग्जांपल ही दे रहे, इसमें आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये क्या है, वो नहीं है। उसके बाद उसने किया जी, वी कैन आल्सो असाइन सम लेटर प्रोपोजिशन एज शोन इन फिगर। हम उनको कह रहे हैं, हम उसको कोई भी सेंटेंस पी यू ए, कोई भी सेंटेंस आप उसको, कोई भी अलग बर्ड्स आप उसको असाइन कर सकते हैं। सर को क्या कहते हैं, प्लीज प्लीज से आई प्ले चेस, एक सेंटेंस हो गया। और उसके बाद वो अगला सेंटेंस कहते हैं, आई वांट टू सी मैथमेटिक्स, ये क्या है, ये भी आपके पास है, दोनों आपके पास क्या सकते हैं, आप इनको क्या साइन कर दिया, एक को पी साइन कर दिया, एक को साइन आप पी के पी इज ट्रू, यू इज ट्रू, आप कौन सा पे दीजिए ट्रू है, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। इसी तरह उसके बाद वो कहता नो व्हेन वी से पी इट मींस वी आर रेफरिंग टू प्रोपोजिशन, पी के आप प्रोपोजिशन को रेफर कर रहे हैं। इसके साथ ही उसको नेक्स्ट कहते हैं, एंड वेल वी से क्यू इट मींस दैट वी आर रेफरिंग टू प्रोपोजिशन, हम पी से इसको रेफरेंस कर रहे हैं, क्यू से इसको रेफर कर रहे हैं, वो सी बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका 2.5.2 जो है वो क्या है,
values. Every proposition takes one or two values. मैंने आपको start में बताया कि हर proposition दिया क्या मिलेगा, एक या एक से ज्यादा value लेगा, वो कौन कौन से, या तो true होगा या फिर वो हमारे पास क्या होगा, false होगा. अगर true होगा तो true लिखेंगे, false होगा तो आप उसको false return करेंगे. And these values are called the truth values. एक values क्या कहलाती है, ये value हमारे पास truth values कहलाती है कि वो या true है या हमारे पास false है. इसी तरह the truth values given on the basis of truthfulness or falsity of proposition, मतलब उसको truthfulness को आप बता रहा होगा, उसको वो शो कर रहा होगा. इसके बाद example जो दिया, assume p, उसने एक proposition ले लिया, assume कर लिया इस्लामाबाद is the capital of Pakistan. इस्लामाबाद क्या है, पाकिस्तान का capital नहीं है, आपके पास क्या है, truth है. आप क्या करें, p is truth, p for proposition. उसने p को आपने जब भी proposition बनाना है, sentence बनाना है, तो जैसे आप वेरिएबल असाइनमेंट लेते हैं, मैथ में a is equal to 1, b is equal to 3, इसी तरह हर सेंटेंस को क्या बेस को एक वेरिएबल ले लेना है, a is equal to मतलब के एग्जांपल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, a is equal to एलएचएस, b is equal to, मतलब हर सेंटेंस के गेस आपने क्या लेना है, आपने एक x वेरिएबल ले लेना है, एक अल्फाबेट ले लेना है, उसको वहाँ पर इक्वल कर देना आपने. उसके बाद कहते हैं जी पहली टू द प्रोपोजिशन नो अज्यूम अनदर प्रोपोजिशन क्यू, उसने एक और वो कर लीजिए, एक प्रोपोजिशन क्यू अज्यूम कर ली, द सनराइज इन द वेस्ट, सनराइज इन द वेस्ट, ये क्या होगा, ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया. क्या कह रही है, सनराइज इन द वेस्ट, इन द वेस्ट, वेस्ट से सूरज निकलता ही नहीं है, सूरज कहाँ से निकलता है, मशरिक से, मगरिब से सूरज ग्रूब होता है, इसलिए वो क्यू इज इक्वल टू क्या, पी क्या होगा, ट्रू हो गया, क्यू हमारे पास फॉल्स हो गया. उसके बाद ट्रूथ वैल्यूज फॉर द प्रोपोजिशन इज फॉल्स इफ वी हैव प्रोपोजिशन आर आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क. एक उसने और ले लिया जिसको उसने इक्वल टू बात करते हुए कह रहे थे आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है. ये क्या है, ये ट्रू है फॉल्स है, भी वो ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, अगर कंप्लीट कर दिया तो ट्रू है, अगर कंप्लीट नहीं किया तो वो फॉल्स है. उसके बाद हम असाइन करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट. 2.5.3 को हम कल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. जो हमारा आज का जो लेक्चर है जो यहाँ पर एंड होता है, इसके अंदर जो आपकी डायरी है वो भी यही कि आपने इन दोनों टॉपिक को 2.5.1 और 2.5.2 को आपने याद करना है, अच्छी तरह से उसको पढ़ना है, समझना है, क्योंकि जब तक आप ये टॉपिक नहीं समझेंगे तो आप उसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.